हेलो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल एसके और आप देख रहे हैं स्किड्स। तो चलिए सब्सक्राइब मारिए इस स्किड्स चैनल को और इस बेल का आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पिक्सट की मदद से हम लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत लोगों को बैकग्राउंड चेंज करना आता है, मुझे मालूम है ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई बैकग्राउंड चेंज तो कर लेता हूँ लेकिन पिक के साथ मैच नहीं होता है बैकग्राउंड। तो आज कुछ टिप्स बताने वाला हूँ आप लोगों को कि बैकग्राउंड के साथ कैसे आप लोग पिक को मैच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सिंपली दिखा देता हूँ कि कौन सी बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपली ये वाला बैकग्राउंड मैं आज यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई तू कहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड करता है, तो सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये पिक्सेल बोलकर एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन से मैं सारा बैकग्राउंड डाउनलोड कर करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये एप्लीकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, एंड आप लोग प्ले स्टोर से भी सर्च कर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बैकग्राउंड का लिंक एंड प्ले जो एप्लीकेशन का लिंक, इसका मैं अलग से लिंक दे दूंगा, ठीक है गाइस, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, एक कमेंट करके, कमेंट बाद में करना ठीक है गाइस, लाइक कर दो अभी के लिए, कमेंट तो पूरा वीडियो देखने के बाद करना, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो चलिए इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ पिक्सट के अंदर, ठीक है गाइस। तो पिक्सट के अंदर इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टोल फला ऑप्शन पहले ही, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पिक को, मतलब जो बैकग्राउंड है उसको क्रॉप कर लूँगा, और क्रॉप करने के बाद फिर से मैं जाऊँगा टोल फला ऑप्शन में और इस वाला ऑप्शन में आ जाऊँगा, एंड यहाँ पर जो नीचे वाला इफेक्ट है जो ब्लावर इफेक्ट, इस वाले को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगा, ठीक है। और यूज़ करने के बाद यहाँ पर कर दूँगा डन, और डन करने के बाद मैं जाऊँगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर ऐड फोटो, यहाँ पर देख सकते हो, इसी के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल PNG लिंक फ्रेम एंड आप लोगों का जो फेसबुक का प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। तो ये जो देख सकते हो यहाँ पर जो मोबाइल फ्रेम का जो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मतलब ये वाला, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से सिंपली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, एंड मैं तो ये सिंपली डाउनलोड किया हूँ UC ब्राउज़र से, मतलब सर्च कर लिया था कि एंड्रॉयड मोबाइल PNG, मतलब फ्रेम PNG। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उतना परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को PNG कहाँ मिलेगा पता नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे देता हूँ मैं, वहाँ से ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग सेटिंग कर लेना, ठीक है, मतलब फिक्स कर लेना, उसके बाद कर देना है डन। और डन करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली आ जाऊँगा ड्रॉ वाला ऑप्शन पर, और ड्रॉ वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर मैं आऊँगा, एंड यहाँ पर आने के बाद ड्रॉ वाला ऑप्शन में यहाँ पर आने के बाद ये वाला इफेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको फुल कर देना है, आप लोगों को मर्जी, आप लोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो अपोसिटी को इसका यहाँ पर कम रखूँगा मैं, और कर दूँगा सेट। और सेट करने के बाद यहाँ पर जो मोबाइल है, मोबाइल के नीचे एक शैडो डालूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस, ताकि और भी अच्छा दिखाई दे यहाँ पर, मतलब अच्छा लुक मिल जाए यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से कर लेंगे, और कर देंगे यहाँ पर ओपासिटी को थोड़ा कम कर देंगे गाइस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और कर देंगे डन। और डन करने के बाद आप जो पिक यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो उस पिक को यहाँ पर ले आना, ठीक है। तो ऐड फोटो पर जाता हूँ, एंड मुझे ये वाला पिक का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ये पिक को ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ले आने के बाद आप लोगों को जाना है इस कटआउट वाला ऑप्शन में, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर कटआउट ऑप्शन में चला जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं सिंपली पिक को कटआउट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, एंड यहाँ पर कर देना है डन, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कर सकते हो आप लोग। बहुत लोग बोलते हैं कि जो बॉडी होता है तो उसके साइड में, मतलब आप लोगों को दिखा देता हूँ जूम करके, यहाँ पर जो बॉडी, यहाँ देख सकते हो ये साइड है, ठीक है, बॉडी का पार्ट, तो इसी का साइड में एक, मतलब लाइन रह जाता है ब्लैक सा, तो उसको शायद क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसी को आज फिक्स कैसे कर सकते हो वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर साइज को मैं अपने मुताबिक से फिक्स कर लूँगा, हार्डनेस को भी, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, जो हिस्सा रह गया है उसको मैं ड्रॉ कर लूँगा कुछ इस तरीके से गाइस। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा,
ठीक है। तो अच्छा एडिटिंग सीखने के लिए लंबा अगर हो जाए वीडियो तो क्या परेशानी है यार, तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं ड्रॉ कर लिया हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। और सेव करने के बाद आप लोगों को फिर से एक चीज़ करना पड़ेगा, ताकि बॉडी के जो यहाँ पर जो आउटलाइन आ जाता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर जो देख सकते हो, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक आउटलाइन आ रहा है बॉडी के पास, ठीक है। तो इस आउटलाइन को आप लोग किस तरीके से फिक्स कर सकते हो तो मैं बता देता हूँ सिंपली, ठीक है गाइस। तो आउटलाइन को फिक्स करने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरीके से कटआउट कर लेना है, कटआउट करने के बाद फिर से आप लोगों को जाना है ये वाला ऑप्शन में, ठीक है गाइस, इस वाला ऑप्शन में। और इस वाला ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग हार्डनेस को यहाँ पर फुल कर देना है, फुल नहीं करना है, लगभग 97 रखना है, और ओपेसिटी को फुल कर देना है, साइज अपने मुताबिक से रख देना, ठीक है। और रखने के बाद आप लोगों को फिर से एक बार जो करना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिमूव कर देना है, ठीक है, जो आउटलाइन आ रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग फिक्स कर लेना है आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दे। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं आउटलाइन को यहाँ पर फिक्स कर लिया हूँ, जूम करता हूँ एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब देख सकते हो यहाँ पर कोई भी आउटलाइन नहीं आ रहा है, बस देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को भी कर लेना है, एंड करने के बाद आप लोगों को पिक को सेट कर लेना है, आप लोगों को कहाँ रखना है पिक कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है गाइस। तो मैं सिंपली सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, नहीं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। एंड करने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा डन, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से डन कर दूंगा। डन करने के बाद यहाँ पर सिंपली मैं पिक को यहाँ पर थोड़ा सा और शैडो डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप लोगों को बताया हूँ कि कैसे शैडो डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से एक वीडियो को, तो यहाँ पर शैडो डाल दिया हूँ, उसके बाद कर देता हूँ डन, ठीक है। एंड डन करने के बाद आप लोग बोलते हो कि पिक्सल से जब फोटो एडिटिंग करता हूँ तो पिक्सल फट जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को सेव करने के टाइम आना है ड्रॉ वाला ऑप्शन पर, और ड्रॉ वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लेयर वाला ऑप्शन में आना है, और ऊपर का जो लेयर है उसको नीचे ले आना है, एंड ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड आप लोगों को जाना है इस इरेज वाला ऑप्शन पर, और इस वाला ऑप्शन में जाने के बाद इस वाला ऑप्शन में रखना है, और साइज को एकदम जीरो रखना है, ओपेसिटी को फुल रखना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर सिंपली आप लोगों को कट कर देना है कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर जाके आप लोगों को सेव कर देना है, ठीक है। एंड सेव करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड के साथ पिक को मैच कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को जाना है लाइट रूम में, तो मैं सिंपली इस पिक को लाइट रूम में इनपुट कर लेता हूँ, तो गैलरी में सिंपली चला जाता हूँ। एंड गैलरी में आने के बाद यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ पिक्चर, एंड इस पिक्चर को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ लाइट रूम के अंदर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर लाइट रूम में चला जाता हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है गाइस, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझना मतलब समझा रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर पिक आने में अभी टाइम लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हो पिक आ गए हैं गाइस, ठीक है। तो पिक यहाँ पर सिंपल ओपन कर लेता हूँ, एंड आप लोगों को ये स्टेप ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पिक को मतलब बैकग्राउंड के साथ पिक को मैचिंग कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपली मैं लाइट में जाता हूँ, एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, कॉन्टेक्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, हाईलाइट को यहाँ पर डिक्रीज़ करता हूँ, शेडोज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, व्हाइटनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एंड ब्लैक को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है, देख लिया। तो उसके बाद यहाँ पर चला जाना है कलर वाला ऑप्शन पर, और यहाँ पर आने के बाद वाइब्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, मतलब 20 कर देता हूँ। उसके बाद चला जाना है मिक्स वाला ऑप्शन पर, ठीक है। और यहाँ पर जो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, उसका नाम तो अब शायद याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग वो बंदा बोल रहा था कि जब स्नैपसीड नहीं गाइस लाइट रूम सेटिंग करता हूँ तो जो लिप्स होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो आप लोगों को मतलब उस बंदे को मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रेड वाले पहले जो मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद करना क्या है, ह्यू को कम करना है एंड सेचुरेशन को हाई करना है, ठीक है। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से समझ आ जाए उसको, ठीक है। तो पहले कैसा था वैसे कर देता हूँ, तो
यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा लिप्स था, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज कर दिया ह्यू को, एंड सैचुरेशन को जितना इंक्रीज करोगे उतना ही लिप्स यहाँ पर पिंक कलर हो जाएगा, देख सकते हो पिंक कलर आ गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी इस तरीके से आप लोगों को भी कर लेना है, ठीक है। तो मुझे इतना नहीं चाहिए, थोड़ा कम कर देता हूँ, एंड चला जाता हूँ यहाँ पर ऑरेंज कलर में, और यहाँ पर सैचुरेशन को कम कर देता हूँ एंड लुमिनेशन को हाई कर देता हूँ, ठीक है गाइस, ताकि फेस हमारा वाइट हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो फेस वाइट हो गया है, पहले कुछ इस तरीके से था अब इस तरीके का हो गया है। अब आ जाता हूँ येलो में, तो येलो में करने के लिए तो कुछ नहीं बचा है लगता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिक्रीज कर देता हूँ, फुल सैचुरेशन को फुल डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। मेरा पिक पर येलो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग भी देख लेना आप लोगों को पिक पर अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। और इसका भी सैचुरेशन को एकदम डिक्रीज कर देता हूँ, एंड यहाँ पर स्काई कलर में आता हूँ, एंड इसको यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर सैचुरेशन को एकदम डिक्रीज करने पर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इस सैचुरेशन को रखने देता हूँ, एंड ह्यू को थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस। तो इसको कर देना है डन, और डन करने के बाद यहाँ पर आ जाना है आप लोगों को ये वाला ऑप्शन में, और क्लियरिटी को आप लोगों को यहाँ पर कुछ 22 या 24 रखना है, और विंटेज को थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज करना है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाऊँगा यहाँ पर ट्रायंगल वाला जो यहाँ पर आइकन है यहाँ पर, और आने के बाद यहाँ पर जो नॉइज रिडक्शन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है लगभग 20, ताकि हम लोगों का पिक जो है वो एकदम ऑयल पेंट की तरह हो जाए, ठीक है, स्मूथ दिखाई दे इसलिए। और यहाँ पर कलर नॉइज रिडक्शन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है गाइस। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, अब देख सकते हो गाइस आप लोग की पिक कितना अच्छे तरीके से मैचिंग हो गया है, ठीक है। आप लोगों को दिखाता हूँ कि पिक्सर से जो जब एडिटिंग किया था तब कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिफोर वाला दिखाता हूँ, तो बिफोर वाला देख सकते हो जब पिक्सर से एडिटिंग किया था तब ऐसा था कुछ, ठीक है। और जब लाइट रूम में जो इफेक्ट डाला हूँ जो कलर इफेक्ट, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके का लग रहा है। तो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से बैकग्राउंड के साथ पिक मैचिंग हो गया आप लोगों को पता ही नहीं चला, बात में कब मैं पिक एडिटिंग कर लिया। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बनाया हूँ, मुझे पिक्सर से मतलब एडिटिंग करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, इसलिए अपलोड नहीं करता हूँ। तो आप लोगों की वजह से ही अपलोड किया हूँ वीडियो, तो आप लोग लाइक तो कर देना एक, ठीक है गाइस। और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है आप लोगों का, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो कि भाई ये मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड लोगों को भी सर शेयर कर देना कि ये वीडियो में मतलब ये पिक्चर कैसे एडिटिंग किया हूँ। ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है कि बैकग्राउंड तो चेंज कर लेता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं आता है कि किस तरीके से पिक के साथ बैकग्राउंड को मैचिंग किया जाए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मैचिंग कर सकते हो, तो सबके साथ शेयर कर देना, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।